चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। जो कुछ भी आ जाए वही बढ़िया है, अपना रुझान सही रहो। तो हाथी पे देंगे वोट? अच्छा, हाथी पे और कहाँ जाओगे? पर भाई हम तो बेरोजगारी के लिए ज्यादा परेशान है, जब रोजगार नहीं कहाँ। फिर प्राइवेट क्यों खोल रहे? फिर जब इतने प्राइवेट तो इन्होंने दुकान बना ली अपनी। हाँ तो सरकारी तो बनवा रही दुकान? नहीं नहीं सरकारी, स्कूल एक कर दो सारे, सबके बच्चे पढ़ेंगे। हाँ ये तो हो जाए बढ़िया ही है। सीसीए में आपका स्वागत है। हम उत्तर प्रदेश के यहाँ जिला शामली में हैं और जिला शामली की ये कैराना लोकसभा सीट है। हम कुरमाली गांव में पहुँचे हैं आज यहाँ दलित समाज के बीच और बातचीत करेंगे 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर कि इस बार दलित समाज किस मुद्दों को लेकर इस चुनाव में वोट करेगा। जी नमस्कार जी भाई साहब। नमस्कार जी। क्या नाम अपना? अनिल कुमार जी। जी अनिल भाई, हम लोग चुनावी सर्वे थोड़ा ऐसे ही कर रहे थे जगह जगह घूम कर कि क्या है इस बार आप इस चुनाव में कैराना लोकसभा सीट पड़ती है, क्या देख रहे हैं दलित समाज का, क्या मन बन रहा है इस बार, किन मुद्दों को लेके वोट होगी? भाई वोट तो तुम्हें बताया था पहले भी, मेरी वोट तो जहाँ जानी वहाँ जाएगी। कहाँ कहाँ पूछाते हो? तो हाथी पे देंगे वोट। अच्छा हाथी पे, और कहाँ जाएगी? और भी बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भाई हम भी साथ हैं लोगों के, हमें वोट मिलेगा। लोगों का तो अपना अपना, हर आदमी का अपना मानना है, हर आदमी का अपने चुनाव है, कोई किसी को मानना है कोई किसी को मानना है। कि 10 साल सरकार होगी इनकी, किस तरह के काम रहे, क्या अच्छा लगा, क्या आपको दिक्कतें क्या रही है, कुछ बढ़िया क्या लगा आपको? बस बढ़िया तो देखो एक ही चीज़ है भाजपा में, और तो कुछ हमें बढ़िया लगा नहीं। भाई कानून व्यवस्था तो सही है, बाकी बेरोजगारी ज़्यादा है, सबसे बड़ी बात तो बेरोजगारी की। कानून व्यवस्था के लिए बहन जी को भी याद किया जाता है यूपी में कि उनकी भी कानून व्यवस्था बढ़िया रही है। पर भाई हम तो बेरोजगारी के लिए ज़्यादा परेशान है, जब रोजगार नहीं कहाँ जा क्या करें। भाई जो बच्चे शिक्षित हैं बेचारे, पढ़े लिखे हैं, जो एजुकेशन वाले हैं, वे कहाँ जाएंगे? जो वहाँ भर्ती भी रद्द कर दी जाए, इलेक्शन आ जाओगे 6 महीने पीछे फिर हट जाओगे, जो तैयारी थी वो भी खत्म। निजीकरण से समस्या होती है समाज में, दिक्कतें होगी आगे? हाँ जी दिक्कत ही दिक्कत है आगे, जब हमारे पास रोजगार नहीं होगा तो दिक्कत तो होगी। हमें तो रोजगार चाहिए, सरकार किसी की भी हो सबसे पहले तो रोजगार चाहिए। बच्चे हैं, महंगाई इतनी है, प्राइवेट में पढ़ावे वहाँ की हमारे पे पूर्ति नहीं होती, जो सरकारी स्कूल है वहाँ बच्चे ढंग से पढ़ नहीं पाते, तो समस्या ही है। तो स्कूल की स्थिति नहीं सुधारती सरकार? कहाँ सुधार रही स्कूल की स्थिति भाई, वो तो खिचड़ी खाने गांव के भेजे, खिचड़ी खाए में अपने घर आ जा बेचारे। तो आप और तो प्राइवेट स्कूल तो बड़ी अच्छी व्यवस्था है वहाँ तो। अजी वहाँ की हमारी अक्षमता तो नहीं है, वहाँ की फीस इतनी महंगी है, जिसके पास मान लो मेरे पास 4 बच्चे हैं, इन 4 बच्चों को बचाओ प्राइवेट में कैसे पढ़ाऊँ? उतनी कमाई है उतनी रोजगार नहीं, इतनी नहीं, उतना रोजगार नहीं है, सबसे बड़ी समस्या तो रोजगार की है देश में। लेकिन राम मंदिर बन गया, बहुत सारी चीज़ हो रही, तरक्की हो रही है, कह रहे विश्व गुरु बनने वाले हम, लेकिन आप कह रहे पढ़ाई की व्यवस्था नहीं, रोजगार की व्यवस्था नहीं। नहीं वो तो बात देगा, राम मंदिर बनेगा, पर राम का नाम तो जिब भी लिया जाता, राम मंदिर के बनने के बाद भी राम का नाम लिया जाएगा, चाहे अपने घर में बैठ कर ले लो चाहे मंदिर में ले लो, वो तो कहीं ले लो आप, जब राम का नाम लेना सड़क पर बैठ कर ले लो। आप कह रहे थे जमीनें छीन ली दलित समाज की, तो अभी कुछ लोग कह रहे थे कि सुरक्षा बहुत बढ़िया है इस सरकार में, ये सब है, तो आप लोगों को सुरक्षा नहीं मिल रही? कहीं की सुरक्षा, मैं तो कुछ भी सुरक्षा नहीं दी भाई, मेरे पे तो जमीन भी घोच ली, और की सुरक्षा की ले देंगे हमें। लेकिन मोदी जी तो भाई कहते हैं, अपने पिछले भाषणों में कहा था पिछले दौर में कि भाई इन मेरा परिवार है, इनको गोली ना मारो, दलित समाज को मुझे गोली मार दो, पैर भी धो रहे उनके, लेकिन फिर सरकार में इस तरह की ऐसा नज़रिया क्यों आपके पास? भाई जब वोट लेने का टाइम है फिर तो पैर भी धोने पड़े, हाथ भी जोड़ने पड़े, दोनों ही काम करने पड़े। एक लड़का और अभी लोग कह रहे हैं कि भाई चंद्रशेखर का भी काफ़ी नाम हो रहा है, लोग पसंद कर रहे हैं, दलित समाज कितना अभी उनके साथ है या पसंद करते हैं? नहीं अगर वे इस सीट से आते हैं तो वोट मिलेगी बहुत, अगर वे आओगे तो वोट मिलेगी, बहन जी ना उठो कोई बात नहीं, आज़ाद तो है, अगर बहन जी सामने नहीं आती तो उसका वोट बैंक तो है, आज़ाद को देंगे। देख रहे भाई हम तो भाई कुकर बता रहे भाई, हम भाई क्या लगे भाई, हम तो कहा भाई जो कुछ भी आ जाए वही बढ़िया है, अपना रुझान सही रहो। तो सरकार कैसी लगी भाई, जैसे 10 साल हो गए?
सरकार तो वह ठीक सी लग रही है। ठीक क्यों लगती? ठीक है। हाँ, चोर चकोर का खत्म हो रहा काम, बेरोजगार से नहीं। और कोई समस्या नहीं है बिल्कुल। और बाकी कई मुद्दे हैं पढ़ाई के, उसके कई तरह के। हाँ, ये तो स्कूल में बच्चे जब यहाँ पर है, हर चीज की सुविधा है भाई। किस तरह की सुविधा है? सारी तरह सुविधा है। जो कोई ना पढ़ावे और ना पढ़े तो उसके जिम्मेदार वो बच्चा है, वो आएगा पढ़ाओगा। तो फिर स्कूलों की हालत ऐसी क्यों है? सरकारी स्कूल कौन सी की? बहुत बढ़िया हालत चल रही जी। कोई पढ़ते थे स्कूल बढ़िया बन गए। पहले तक बढ़िया बन रहा स्कूल, भी मास्टर भी ठीक टाइम पर जा रहे हैं अपने। फिर प्राइवेट क्यों खोल रहे फिर जब इतने? प्राइवेट तो इन्होंने दुकान बना ली अपनी। हाँ, तो सरकारी तो बनवा रही दुकान? नहीं नहीं सरकारी तो स्कूल एक कर दो, सारे सबके बच्चे पढ़ेंगे। हाँ, ये तो हो जाए बढ़िया ही है। अभी 800 रुपए का सिलेंडर है। हाँ। सब्सिडी देंगे, कह रहे वापस दे देंगे 300 रुपए। हाँ। है ना, 500 ही ले लो वापस। अरे सिलेंडर भरेंगे, ये जो कोई भी भरवाओगा फ्री है। तो थोड़ा दुनिया में थोड़ा डंगा बट्टा है। राशन आपको लगा? राशन सही है, राशन सही है, चल जा। और नौकरी दे दे जो फिर राशन की जरूरत पड़े। नौकरी भी दे लगा, नौकरी कौन कह देता नहीं, नौकरी भी दे। अभी 60,000 पुलिस की भर्ती निकली थी, 50 लाख आवेदन गए हैं यूपी में। तो बेरोजगारी देखो कितनी बड़ी है। ये कोई बेरोजगारी नहीं, नहीं, नहीं है। करो नमस्कार जी, बेरोजगारी। ये तो कह रहे बढ़िया मजा आ रहा, काम बढ़िया चल रहा है। क्या नाम जी अपना? मदन कुमार मलिक। अच्छा जी, मदन जी क्या लग रहा, क्या देख रहे? सीट देख रहे के एक डब्बा, एक डब्बा और गए। एक डब्बा कैसे, थोड़ा सा तो बताओ। एक डब्बा भाजपा, भाजपा एक डब्बा भाई। अच्छा। भाजपा चलेगी तो चौधरी साहब भी आ गए। हाँ, चौधरी साहब ना तो भी थी। खुश हो सरकार से? बेहद। अच्छा, कह रहे किसान तो नाराज से रह जाए यहाँ तो इंगे तो। अरे धरने वरने चलते रहे, किस घर में लड़ाई नहीं होती, आपस में उड़ जाएंगे लड़ेंगे फिर भी, क्या दिक्कत है उसमें? भाई अपनी बात के लिए लड़ेंगे भी। तो तारी मांग क्यों नहीं मांग लेते, MSP क्यों नहीं दे देते? भाई जो नहीं हो सकता काम, हम कहने लगा चांद को धरती पर ले जा ले आओ। 13 महीने तो बैठे आंदोलन चला, चाहे 13 साल बैठ लो। 750 किसान मर गए, बात सुनो अब कैसे बढ़िया। नहीं मरते क्या, घरों बैठे नहीं मरते? नहीं वे आंदोलन में मरे ना भाई, आंदोलन मरे जिसकी आ रही वहाँ भी मरेगा। टिकेत जी हो अभी तक, जयंत जी भी यही कह रहे थे कि भाई काले कानून। मेरी बात सुनो, वहाँ जाने से पहले जिस दिन कानून बने उस दिन टिकेत का ही अमर उजाला में बयान ठहर के देख लो के कर रखा, जिब जेब में पीछे आने लगे तो काले हो गए। नहीं जिब लोग 30 साल पहले MSP कह रहे, अब भी सरकार ने कहा नीतियाँ गलत है, MSP हो सके इस देश को बर्बाद करो, MSP करवाया गया। तो आप खुश है भाई? मेरी बात सुनो, MSP कहा आपने, MSP जो कह रहे कानून लैक है, किसान बच जाएगा क्या इस देश में? खत्म नहीं हो जाएगा? नहीं, उसकी फसल का दाम दे दो, क्या दिक्कत है? उसकी फसल का दाम मार्केट रेट पे ही तो मिलेगा यहाँ तो। उस टाइम भी सबको बताया अभी तो। प्रदीप तो नाराजगी है? नाराजगी तो है प्रदीप तो सिर्फ, लेकिन भाजपा में वोट तो देनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी। चौधरी साहब भी आ गए? नहीं चौधरी साहब ना थे, हम तो जिप भी देते भाई। चलो, जिला शामली में कैराना लोकसभा सीट पर थे हम, यहाँ के दलित समाज से बातचीत की, लोगों की अलग अलग राय है। जुड़े रहे CCA से, उत्तर प्रदेश से आपको खबरें आती रहेगी। धन्यवाद। बताओ रोल ना।